किसी ने खूब कही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत एम्स के अस्पताल में सच होते हुए वहाँ के डॉक्टर्स ने देखा। जिस महिला ने बच्ची को जन्म दिया है वो अस्पताल में 7 महीने से बेहोश पड़ी थी। सिर में चोट की सर्जरी के बाद से ही महिला अस्पताल में 7 महीने से बेहोश पड़ी थी। महिला का पति प्राइवेट ड्राइवर का काम करता था, मगर उसने अपनी गर्भवती पत्नी की देखभाल करने के लिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि महिला होश में नहीं थी। पति ने बताया, मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है और जिंदगी कैसे कटेगी, सब कुछ ठप सा हो गया है। हादसे के वक्त वे भी पत्नी के साथ थे, मगर भुगतना उनकी पत्नी को पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को जन्म देने वाली महिला 31 मार्च को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पे सवार थी और इस दौरान महिला ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे में उसके सिर पे कई गंभीर चोटें आईं और हालांकि वो बच गई, लेकिन वो बेहोश रही। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि महिला जब अस्पताल में भर्ती थी तब वो 40 दिन की गर्भवती थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ की टीम ने उसकी स्थिति की जांच की और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पाया। इसके बाद डॉक्टर्स ने बच्चे को रखने या ना रखने का फैसला मरीज के परिवार पर छोड़ दिया। महिला के पति ने बच्चे को अपनाने का विकल्प चुना। दोस्तों, हेलमेट जरूर पहने। इस केस में भी डॉक्टर्स ने बताया है कि यदि महिला ने हेलमेट पहना होता तो वो इस हालत में नहीं पहुंचती।